2018 का सबसे दिलचस्प क्लैश अनाउंस होने वाला है। बॉक्स ऑफिस पर पहली बार दो यंग सितारे भिड़ेंगे और दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाएंगे। खबर है कि कंगना रनौत की मणिकर्णिका समय से पीछे चल रही है, ऐसे में मुश्किल है कि मूवी 15 अगस्त को रिलीज हो पाएगी। कुल मिलाकर माना जा रहा है कि ये फिल्म वरुण धवन की सुई धागा से क्लैश करने वाली है। गौरतलब है कि पहले मणिकर्णिका अक्षय कुमार की फिल्म गोल से क्लैश करने वाली थी, लेकिन फिल्म का काफ़ी VFX का काम बचा हुआ है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि रिलीज डेट आगे बढ़ाते हुए ये वरुण और अनुष्का की सुई धागा से 28 सितंबर को क्लैश करेगी। अब दिक्कत यह है कि इन दोनों की फिल्मों में 100 करोड़ क्लब को छूने की ताकत है। कंगना पर लोगों का भरोसा रहता है और वरुण का स्टारडम अलग ही लेवल पर चल रहा है, और धमाकेदार ये होगा अगर इन दोनों ही फिल्मों में अपना ये 100 करोड़ का टारगेट पूरा कर लिया तो, यानी कि 200 करोड़ी फिल्में एक साथ क्लैश के बावजूद, जो कि काफ़ी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि दो यंग स्टार्स बॉलीवुड पर भिड़ेंगे भी और सफल भी हो जाएंगे, ऐसा अभी तक किसी ने नहीं देखा। तो ये काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है कि गोल से आगे निकल कर मणिकर्णिका कैसे सुई धागा को पछाड़ पाती है या नहीं, या सुई धागा बाजी मार लाएगी। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इन दोनों मूवीज़ में अगर क्लैश होता है तो कौन सी मूवी जीतेगी।